देखो प्रेमियों, ये बच्चा खड़ा है ना, ये बच्चा, इसका पापा, इसके मम्मी, ये पुराने श्याम प्रेमी है। दो दिन पहले इन्होंने कहा कि हम 24 तारीख को जा रहे हैं। मैंने इनकी मम्मी से कहा, भाभी आपका खानदान, मैं जब पहली बार खाटू आया था, जब आपके ससुर से, उस समय 11 को खाटू नहीं आ पाता था, कहीं कीर्तन होता था, दो दिन तीन दिन गए, भैया कहाँ जाओगे, हेलो क्यों जा रहे हो यार, हेलो मैंने बोला आपके ससुर साहब से रात रात भर बैठकर बात करता था, मैं खाटू में रहता था, आप जा रहे हो, कामकाज की प्रॉब्लम है, नहीं काम बहुत बढ़िया है, कोई पारिवारिक तकलीफ है, बोला हाँ थोड़ा सा है, आप सलटा दोगे, नहीं हम तो नहीं सलटाएंगे, क्यों जा रहे हो, बोला भैया 24 की टिकट भी है, 27 की भी है, मैं 24 को फाड़ दो, मत जाओ, तुसी ना जाओ। देखो सारा परिवार खड़ा है आज यहाँ पर। एक बात और बोलूं प्रेमियों, मुझे नहीं मालूम मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ भजन के अलावा भी कुछ होना चाहिए। पप्पू भाई, प्रेमियों दरबार में आयो, बाबा को कुछ देकर तो जाओ, कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देकर जाओ, दोगे, मैं मांगू वो बोलोगे, बोलो एक बार, दोगे बाबा को, कुछ लंबा चौड़ा नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा ऐसा मांगूंगा कि आपका परिवार बल्ले बल्ले कर देगा, अगर आपने दे दिया तो आपका पूरा परिवार आशीर्वाद देगा, पूरा परिवार बल्ले बल्ले करेगा। आप तो श्याम बाबा को एक बार नाम लोगे, आपका परिवार सुबह से लेकर रात तक 100 बार नाम लेगा, बोलो दोगे। जो पान पराग जर्दा खाते हैं ना, प्लीज 12 के दिन यहाँ छोड़ कर जाना प्रेमी, प्लीज प्लीज, अगर श्याम को अपना मानते हो ना, प्लीज। और कसम खाटू वाले की, कसम खाटू वाले की, 12 के दिन छोड़ कर जाना कि बाबा मेरी सबसे प्यारी चीज यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, तो हिम्मत देना, तू संभालना बाबा, आपको भी संभालेगा, आपके परिवार को भी संभालेगा, आपके कारोबार को भी संभालेगा। प्रेमियों मैं आपको 4 पहले लखनऊ कीर्तन में गया, लखनऊ से यूपी बेल्ट में, पप्पू भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं गाऊंगा नहीं, मैं एक गुस्ताखी मेरे से हो गई, मेरा छोटा भाई, उम्र में जरूर छोटा है राज पारिक, लेकिन कला बहुत 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 प्यारा गाता है, मैं इसको, इधर मेरी नजर नहीं गई इसलिए इसका नाम नहीं लिया, और एक गुस्ताखी हो गई, मेरे से पहले आया था और मुझे इसके पहले माइक मिल गया, हो गया आपका, हो गया नहीं फिर भी प्रेमियों 4 पहले मैं भी थोड़ा बहुत, हालांकि आदत नहीं थी लेकिन शौक से रजनीगंधा की एक पुड़िया दिन भर में खा लेता था, और लखनऊ से यूपी बेल्ट में जब भी कीर्तन में जाता था, 2-4-5 ऐसे श्याम प्रेमी थे, 200-200 किलोमीटर गाड़ी लेकर मेरे साथ जाते थे, भैया चलेंगे कीर्तन में। एक बार एक कीर्तन में उन बच्चों के साथ उनकी एक माँ भी, उनके ननिहाल में कीर्तन था, माँ बोली कि मेरे पीहर में कीर्तन है, मैं भी चलूंगी। कीर्तन करके जब वापसी आ रहे थे आधी रात को, एक ढाबे पर गाड़ी लगाई उन्होंने, चाय पी और बेटे ने 8-10 पुड़िया की पैकेट खरीद कर लाए, चुपके से एक पैकेट मुझे दे दिया, माँ ने नहीं देखा। उन बच्चों की माँ ने कहा, भैया ये बच्चे आपकी इतनी बात मानते हैं, आपके साथ कीर्तन के अंदर में 300-300 किलोमीटर जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बस एक ही कमी है मेरे बच्चों में, ये पुड़िया खाते हैं, भैया आप इन्हें नहीं समझा सकते हो, मेरे काटो तो खून नहीं। मुझे गुरुजी वाली कहानी याद आ गई, एक गुरुजी के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर गई कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। गुरुजी ने कहा कि 15 दिन बाद लेकर आना। 15 दिन बाद वो औरत गई अपने बेटे को लेकर कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कल से गुड़ मत खाना। उस औरत ने कहा, गुरुजी ये तो 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गुरुजी ने कहा, बेटा पहले मैंने गुड़ छोड़ा है, उसके बाद मैंने तेरे बेटे को कहा। श्याम दरबार में झूठ नहीं कहूंगा। मैंने चुपके से वो शीशा खोला और पैकेट बाहर फेंक दी।
और उसके बाद माँ को कहा, माँ एक महीना बाद फागण की 11 से, फागण की 11 तक इन बच्चों को खाने दो, 12 के बाद अगर इन्होंने पूड़ियां नहीं छोड़ी तो मैं यूपी में कीर्तन करने नहीं आऊंगा कभी। मैंने उस दिन के बाद कभी हाथ नहीं लगाया, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि शायद वो बच्चे भी हाथ नहीं लगाते। प्रेमियों, ऐसा कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि घर से जब हम आते हैं ना, परिवार वाले पूछते हैं ना कि 10 दिन के लिए जाओगे, पीछे से क्या होगा, पुड़िया यहाँ छोड़ कर जाओगे ना, अगली बार घर वाले बोलेंगे कि तुम 10 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए जाओ भाई। बोल श्याम प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार पप्पू भैया का, बहुत बहुत आभार। देखो संजू भैया बैठे, अच्छा मैं गाऊंगा, लेकिन पुड़िया खाने वाले एक बार हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन पुड़िया खाता है, कौन कौन पुड़िया खाता है, एक बार हाथ उठाकर बताओ। आलोक भाई आप भी, पुड़िया छोड़ दोगे ना? अच्छा छोड़ो छोड़ो, देखो किसी को नहीं, सुनो फरमाइश नहीं, एक बंदा कम से कम बोले कि मैं छोड़ दूंगा, बाबा को 12 को देकर जाऊंगा, एक बंदा खड़े होकर बोलो, एक बंदा कोई हाथ नहीं, खड़े होकर बोलो कि मैं बाबा को 12 को पुड़िया अपना जरदार। आपका परिवार आकर खाटू क्या बोलेगा पता है दादा? सी क्या बात, सीसा माइनर, पहला पहला माइनर है, माइनर को क्या बोलते हैं हिंदी में, काला की सफेद, काला पहला काला माइनर, काला होता ना, नहीं सीसा माइनर। अब आपने पुड़िया छोड़ी यहां पर, मत जाओ दीदी, बैठ जाओ। हेलो, आपका सगा भाई गा रहा होता तो चले जाते। कुछ तो है बादशाह, कुछ तो है बादशाह तेरी यारी में, कुछ तो अरे कुछ तो, अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, दुनियादारी में कुछ तो है बादशाह, कुछ तो है बादशाह तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। हाथ उठा लो ये तालियां बजाकर, जय जय। बोलिए काम बनाने वाले की, अरे मैंने बस गुणगान किया तूने दिया वरदान, तुमसा और नहीं दी अपनी पहचान, दानी तुमसा और नहीं दी अपनी पहचान, किसको किसको पहचान मिली है हाथों को उठा लेना, ये तालियां बजाकर एक साथ में। मिला सब है तेरी, मिला सब है तेरी दरबारी में, कुछ तो कुछ तो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में।
श्याम तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। मेरे श्याम तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। तू पग पग पे करता चमत्कार है, चमत्कार है। अरे जिसके साथ चमत्कार किया तालियां बजा लेना। झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है संसार, झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है संसार। है भरोसा तेरी, है भरोसा तेरी रिश्तेदारी में। कुछ तो कुछ तो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। अरे क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। तेरी दरबारी में कुछ तो कुछ तो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है बादशाह, कुछ तो है बादशाह तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। बोल श्याम प्यारे की। देखो आज गुस्तागी कर रहा हूं, दो लाइन और गालू। आइए यहां से जाना, क्या कहकर जा। बोलिए श्याम प्यारे की। बस देखिए सिर्फ चार लाइनें अस्थाई और एक अंतरा, बस इसके अलावा एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं गाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है। यहां से जाना, जितनी घबराहट है ना यहीं पर छोड़कर जाना। जो यहां से जाकर भी घबराएगा ना उसको चैन कहीं भी नहीं आएगा। और जो यहां से सीना तान कर जाएगा और बड़े से बड़े संकट में भी नहीं घबराएगा, संकट उसके दरवाजे के पास तक तो आएगा लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं आ पाएगा, कसम खाटू वाले। और सीना तान कर दुनिया से कहना, यहां से जाने के बाद, बाबा जो साथ मेरे मैं क्यों घबराऊं। बोलो मिल जाता सब वो मुझे जो भी मैं चाहूं, जिंदा हूं मैं श्याम कृपा से सबको बतलाऊं।
कौन कौन श्याम कृपा से जिंदा है हाथ उठा लेना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर पापा जो साथ मेरे मैं क्यों घबराऊं, पापा जो साथ मेरे मैं क्यों घबराऊं, मिल जाता सब वो मुझे जो भी मैं चाहूं, मिल जाता सब वो मुझे जो भी मैं चाहूं, जिंदा हूं मैं श्याम कृपा से सबको बतलाऊं, श्याम के पास से सबको बतलाऊं, पापा जाओ साथ मेरे हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ जिनके जिनके साथ बाबा ये तालियां बजाना, तालियां बजाना, सिर्फ चार लाइनें गाऊंगा, मेरे साथ गाना, क्या बोलोगे? ये मेरा मालिक ये मेरा साथी, ये मेरा साथी हर दम खड़ा है ये मेरे खातिर, खड़ा है ये मेरे खातिर, संकट जो आए ये भी आ जाए, संकट जो आए आके मुझे श्याम यही समझाए, यही समझाए आके मुझे श्याम यही समझाए, क्या समझाए? क्या कहता है बाबा? होगा ना कुछ भी तेरा मैं जो बैठा हूं, कुछ भी तेरा मैं जो बैठा हूँ, कुछ भी तेरा मैं जो बैठा हूँ, तू बस चिंतन कर मैं तेरी चिंता करता हूँ, तू बस चिंतन कर मैं तेरी चिंता करता हूँ, बाबा जो साथ मेरे मैं क्यों घबराऊं, बाबा जो साथ मेरे मैं क्यों घबराऊं, मिल जाता सब वो मुझे जो भी मैं चाहूं, मिल जाता सब वो मुझे जो भी मैं चाहूं, जिंदा हूं मैं श्याम कृपा से सबको बतलाऊं, जिंदा हूं मैं श्याम कृपा से सबको बतलाऊं, बाबा जो साथ मेरे बलहारे के सहारे की, मुझे गम नहीं इस बात का साया भी ना मेरे संग है, बोलो मुझे गम नहीं साया भी ना मेरे संग, कई बार बन जाता है जब मुफलिसी में आदमी भटकता है ना, रिश्तेदार नातेदार तो साथ छोड़ते ही है, साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन कसम है आपको, अगर अपने आप को श्याम प्रेमी समझते हो ना तो कसम है, अगर श्याम पे विश्वास है तो उस दिन भी हंसना, दुनिया साथ छोड़ देगी श्याम साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन साया को देखकर अगर आप ये सोच बैठे कि अब क्या होगा तो फिर श्याम नहीं आएगा प्रेमियों, लेकिन साया नहीं होगा ना, घूम के देखोगे तुम्हारा साया नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे श्याम का साया जरूर नजर आएगा, उस दिन कहना मुझे गम नहीं इस बात का साया भी ना मेरे संग है, बोलो मुझे गम नहीं इस बात का साया भी ना मेरे संग है, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा सांवरा मेरे संग, मेरा सांवरा मेरे संग, देखो उस बच्चे को देखो, वो डॉक्टर है,
ये बच्चे को देखो ये डॉक्टर है लेकिन फिर भी श्याम के चरणों में ये टपक रहे हैं। पता है इतना पढ़ लिख कर भी इस पर इतना अटूट विश्वास है कि बाबा मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। पूरे हाथ उठा लेना पूरे पूरे और मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर बोल देना मुझे गम नहीं इस बात का साया बिना मेरे संग बोलो मुझे गम नहीं इस बात का साया बिना मेरे संग है मुझे गर्व है इस बात का मुझे गर्व इस बात का मेरा सांवरा मेरे संग है मुझे गम नहीं इस बात का साया बिना मेरे संग है मुझे गम नहीं इस बात का साया बिना मेरे संग एक जयकार लगाओगे नहीं ताली मत बजाओ मैं डिजर्व नहीं करता। एक काम करोगे एक ऐसी जयकार आपकी जयकार से अगर कोई भी कलकत्ता से उठकर आ गया आपकी जयकार से अगर कोई भी बंबई से आ गया आपकी जयकार से कोई भी हैदराबाद से आ गया जिसका प्रोग्राम नहीं बना है कसम श्याम की सबका काम बना देगा मेरा बाबा। पूरे हाथ उठाकर ऐसी जयकार लगाना बल हारे के सहारे की बालाजी महाराज की प्रेमियों जो नहीं आ रहे खाटू बाबा बुला रहे आ जाओ 11 तक मौका है आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।